सो हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज शाविस खान और आप देख रहे हैं एक नई वीडियो जिसमें कि हम बताने वाले हैं विस्कस। दरअसल अब आप सोचोगे मैंने उल्टा क्यों पकड़ा है, क्योंकि यार ऑलरेडी मैं खोल चुका हूँ, इन्हें खिला चुका हूँ, मैंने उल्टा खोल लिया था। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये विस्कस का नया फ्लेवर आया है जिसका नाम है स्किन एंड कोट। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं इसकी प्राइसिंग की, फिर इसको खोलेंगे और टेस्ट करवाएंगे अपने कैट्स को। जैसे कि आपको पता है कि मेरे पास 7 कैट्स हैं, जिन्हें नहीं पता उन्हें पता लग गया होगा जो पहली बार आए। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिएगा, ठीक है। तो हम बात करते हैं विस्कस की इशू। ये हमारी स्नोई कैमरा के सामने आ गई थी, इसे ही ले लेते हैं अब। हाँ जी, तो दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं विस्कस की। ये देखिए ये फूड है और ये मेरे पास जो पैकिंग है, ये मेरे ख्याल में ये 1.1 kg वाली पैकिंग है और इसकी जो MRP है वो है 422 rupees और ये मुझे पड़ा है 400 rupees का, मतलब सिर्फ 22 rupees का डिस्काउंट। ज़्यादा कुछ अच्छा डिस्काउंट नहीं है जेरिया तो है ना। तो अब हम इसकी खासियत की बात करते हैं, क्या इसमें खास है, क्या ये अपनी कैट को आपको देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। दोस्तों सबसे पहली बात, मुझे क्यों अच्छा लगा मैंने इसका पैकेट क्यों परचेज करा, दोस्तों विस्कस का ये एक पहला फूड है ऐसा जो रंग बिरंगा नहीं है, ठीक है, जो मतलब नॉर्मल जो कैट फूड के कलर्स आते हैं उन कलर्स का है। वरना विस्कस ज़्यादातर जो निकालता है वो बहुत ज़्यादा कलरफुल निकालता है और मेरी कैट वो खाती भी नहीं है, और अगर खा लेती हैं भूख की वजह से तो वो वॉमिट करती हैं, उनकी पॉटी का कलर भी रंग बिरंगा सा हो जाता है, पेट ज़्यादातर ख़राब ही हो जाता है। तो मैं विस्कस का फूड इसलिए परचेज़ कभी नहीं करता, लेकिन इसे देख के आज मैं शॉप पर मजबूर हो गया कि मुझे ये परचेज़ करना चाहिए। और इसकी इधर स्किन एंड कोट जो उल्टा दिख रहा है आपको, इसे देख के भी मुझे परचेज करना पड़ा कि यार विस्कस ने भी स्किन एंड कोट, मतलब विस्कस भी अपने कैट फूड पे अब ध्यान दे रहा है और उसे पता है कि कस्टमर को क्या चाहिए, है ना। पर्शियन कैट जो ज़्यादातर लोग पालते होंगे उन्हें यही दिक्कत रहती है, बाल टूटते हैं और स्किन का कोट अच्छा नहीं है, बहुत कम है, घने बाल नहीं है जैसे मेरी कैट्स के घने बाल। तो आज हम ये लेके आए आपके पास विस्कस का एडल्ट कैट फूड 1+, मतलब एडल्ट कैट फूड है। अब इसकी खासियत के बारे में बात करते हैं, विस्कस क्या है बोलता है अपने पैकेट के बारे में। तो यहाँ पे विस्कस का कहना है ये आपकी कैट का हेयर फॉल है वो रिड्यूस कर देगा और हेल्दी कोट मेंटेन करने में हेल्प करेगा, इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करेगा, हेल्दी मसल्स ग्रो करेगी आपकी कैट, और इसमें नेचुरल फाइबर है जो आपकी कैट के जो हेयर बॉल्स जो वॉमिट करते हैं ना, हेयर बॉल्स जो अपनी सफाई करते वक्त फिर बाद में वॉमिट करते हैं हेयर बॉल्स, वो उसको कंट्रोल करेगा। और सबसे अच्छी बात शायद विस्कस के पास मेरी वीडियो का ही होगी और उन्होंने सुन लिया, नो आर्टिफिशियल कलर्स, जो मैं कहता हूँ किसी भी कैट फूड में नहीं होने चाहिए आर्टिफिशियल कलर, वो विस्कस ने अब कर दिखाया है। तो दोस्तों ये रही हमारी पावर। और इस पे लिखा है कंप्लीट एंड बैलेंस्ड न्यूट्रिशन, मतलब ये तो हर कैट फूड पे लिखा ही रहता है, लेकिन ये बहुत अच्छा लगा मुझे कि नो आर्टिफिशियल कलर्स, अब विस्कस कलर्स नहीं डाल रहा इस वाले कैट फूड में अपने स्किन एंड। और अगर हम देखें तो इस फूड का टेक्सचर है वो भी अब पहले से अलग हो गया, पहले अलग अलग उसमें शेप में रहते थे, कोई मछली बन रही है, किसी में बड़ा सा बिस्किट का शेप है, मतलब बहुत सारे शेप्स और कलर रहते थे एक ही उसमें कैट फूड में। तो अपन इसे खोलते हैं, ठीक है, और बाकी आप देखेंगे जैसे कि कैट फूड के हर पैकेट पे लिखा रहता है कि कैसे कैसे चेंज करना है, क्योंकि डायरेक्ट अपनी कैट फूड को चेंज करेंगे तो आप उसे वॉमिट और पेट ख़राब होने की शिकायत हो सकती है। तो दोस्तों अब हम आते हैं इसके किवर शेप में, मतलब खाने की शेप क्या है। और ये क्रिस्टल को मैक्स में तुम्हें नहीं खिला रहा था, हटो मैक्स। तो ये मैक्स अब सामने आ गया कैमरे के, इसे भी हटाना पड़ेगा। हाँ जी, तो दोस्तों अब हम बात कर रहे थे, ये देखो सबसे पुराना कैट है मेरा मैक्स, सबसे पहले मैं इसे ही लाया था, अब आपको मेरे पास ही बैठना पड़ेगा। तो दोस्तों किबल की शेप ये कुछ ऐसी है, जाने पे जाने लग रही होंगी क्योंकि ये ड्रूज सेम ऐसे ही देता है, सेम किबल शेप यही रहती है ड्रूज। अब हम दिखाते हैं मैक्स को, अच्छा लो आराम से खाओ, खाते तो देखो ये अब घबरा गया, मतलब इन्हें पकड़ना पसंद नहीं है, क्रिस्टल बहुत जेर से उस कोने में आप देखो देख रही है। इसे हम टेस्ट करवा के देखते हैं, एंड पास है, मतलब क्रिस्टल ने पास कर दिया तो टेस्ट अच्छा है। और यार विस्कस के कैट फूड का टेस्ट हमेशा अच्छा ही होता है, कभी भी आप ट्राई कर लो विस्कस का कैट फूड, कैट बहुत शौक से खाती है। देखो फिर से देख रही है कैमरा में, हमें इसे फिर से खिलाना पड़ेगा।
ठीक है, और हम देखते हैं दूसरी कैट्स को बुलाते हैं, उन्हें भी टेस्ट करवाते हैं। ब्राउनी आओ आओ, एक क्रिस्टल, एक और बार मौका वालिया, आओ जल्दी आओ। अब शिमी आ रही है हमारे पास, कि शिमी चढ़ गई और शिमी लो एंड ये पास, मैंने पास कर दिया। तो दोस्तों वैसे मैं ऑलरेडी, जैसे आपको पता है कि मैंने ये पैकेट खोल रखा है और पहले खिला रखा है बच्चों को खाना, तो खाने का टेस्ट जैसे कि विस्कस हमेशा देता, जैसे कि विस्कस हमेशा कैट फूड देता है, वैसे ही इसके कैट फूड का टेस्ट बहुत अच्छा है। जो कि अच्छी बात है वो है कि इसमें कलर अब नहीं है कोई भी आर्टिफिशियल, और किबल का जो साइज है वो भी मुझे अच्छा लगा, ज़्यादा ना कोई बड़ा है ना छोटा है। ये देखिए सिम्बा और मांग रहा है, ये थोड़ा ना नीचे बैठा है, मेरी चेयर ऊपर है तो थोड़ी परेशानी हो रही है खाने में। ये देखिए मैं दिखाई देता हूँ, ये देखिए शौक से खा रहे हैं ना, ये खा चुके हैं फिर भी खा रहे हैं क्योंकि ये खाना अच्छा है। तो दोस्तों अगर हम बात करें कि मैं पहले हमेशा यही बोलता था कि अगर आपके पास मियाओ या विस्कस में से कोई सिलेक्ट करना पड़े तो मियाओ पे जा सकते हैं, रूल्स विस्कस में से कोई सिलेक्ट करना पड़े तो रूल्स पे जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि विस्कस में बहुत ज़्यादा कलर्स रहते हैं और मेरी कैट को हमेशा शिकायत आती है वॉमिट, और जो पॉटी जो उनकी लूज मोशन हो जाती है इसकी हमेशा शिकायत आती थी। तो इस वजह से मैं आपको मना करता था। ड्रूल्स का फूड भी सही है बजट के, अगर फूड में मैं आपको बता चुका हूँ बजट फूड देते हैं तो होममेड फूड ज़रूर देना ज़रूरी है, लेकिन ये फूड लाके ना विस्कस ने सच में कमाल कर दिया है। अब मैं आपको रिकमेंड करता हूँ, अगर बजट में आप कैट फूड खरीदते हैं तो आप विस्कस का ये फूड परचेज कर सकते हैं। बाकी जो इसके ऊपर लिखा हुआ है स्किन एंड केयर, स्किन एंड कोट, तो उसका हम इंशाल्लाह जल्दी ही रिव्यू करेंगे कि क्या वाकई में इसे खिलाने से कैट के हेयर फॉल और स्किन में और कोट में क्या फ़र्क आता है। तो उसको, उस अपडेट को जानने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जल्दी से जल्दी मैं ये फूड कम से कम 1 महीना खिलाऊंगा अपनी कैट को, जैसे कि आपको पता है 7 कैट्स हैं तो फिर अच्छे से पता लग जाएगा, क्योंकि हर कैट की बॉडी अलग होती है, इसका टेस्ट का पता लग जाएगा। क्योंकि ज़्यादातर देखिए आप जब भी नया फूड लाते हैं ना कैट वो खाती ही खाती है, पता लग जाएगा कि लॉन्ग टर्म पे ये कैट फूड कैट प्रिफर करते हैं कि नहीं करते। 1 महीने हम खिला के देखेंगे, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपको जानना है कि फूड कैसा है वाकई में, स्किन और इसकी जो कोट है उस पे फर्क आता है कि नहीं आता। तो दोस्तों अब हम वीडियो को करते हैं ख़त्म, और मैक्स बिल्कुल कैमरा के बराबर में बैठा है तो मैक्स की टेस्टिंग तो बहुत ज़रूरी है। जब तक मैक्स टेस्ट पास नहीं करता है फूड का, जब तक हम नहीं मानते कि फूड अच्छा है। तो ये देखो मैक्स ने पास कर दिया है, मैक्स क्योंकि बहुत चूजी है, बहुत देख सोच समझ के खाना खाता है अच्छा वाला ही, तो मैक्स ने पास कर दिया है। अब हम बात करते हैं अपनी स्नोई की, ये देखो तो इसने भी पास कर दिया है खाना, जैसे कि आप देख सकते हैं खाना इस बार विस्कस ने वाकई में कमाल कर रखा है। ठीक है अब हम बात करते हैं अपने टॉमी बाबा की, तो हमने भी कर दिया पास। अब टॉम का छोटा भाई जेरी, इसको हम टेबल पे रख देते हैं, देखते हैं खाते कि नहीं खाता। ये देखिए जेरी ने भी कर दिया है इसे पास। तो दोस्तों टॉम जेरी मैक्स सब ने पास कर दिया, क्रिस्टल ने भी पास कर दिया, तो ये फूड पास है। आप अपनी कैट के लिए ये फूड परचेज कर सकते हैं बिना कुछ सोचे समझे, और बाकी का जो इसका लॉन्ग टर्म का रिव्यू मैं बता दूंगा। वैसे विस्कस अच्छा फूड बनाते हैं, बस इसकी जो कलरिंग की दिक्कत थी वो आती थी, इस वजह से मैं अपनी कैट्स को नहीं देता था। अब उसने वो बदल दिया है, अब हम इंशाल्लाह इस फूड पे अपने कैट को रख के देखेंगे और फिर बताएंगे आपको कि क्या ये अच्छा फूड है, क्या रॉयल कैनाइन आईएम्स और इन सब की टक्कर ले सकते हैं जो प्रीमियम फूड मार्केट में आते हैं। तो वो सब जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। ठीक है मैक्स बता दो चैनल को सब्सक्राइब करना है, मैक्स बताओ बताओ यार, बोलता ही नहीं है मैक्स तो। ठीक है तो इश्यू तुम बोल दो, चैनल को सब्सक्राइब करो। चली गई, फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, जय हिंद।